वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कृष्युमी 36 है, जो भी काफी हॉट लॉन्च चल रहा है मार्केट के अंदर. सो एज यू कैन सी द टाइटल ऑफ द वीडियोस, डोंट इन्वेस्ट इन कृष्युमी 36 है बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो. यू नो कि प्राइस यहाँ पे क्यों हाई है, ये एक क्वेश्चन हो सकता है. बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन रहता है कि यार प्राइस इतना ज्यादा क्यों आ रहा है. अगर आपके माइंड में एक क्वेश्चन है तो जस्ट कमेंट मी इन द चैट बॉक्स. तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए भी है. एट प्रेजेंट अगर आप देखोगे जो भी यू नो प्रोजेक्ट है आस पास, तो हर जगह यू नो 20-21-22 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास का रेट ऑलरेडी पहुंच चुका है. तो अगर आप देखोगे M3 मेंशन वहां पे 21-22 हजार रुपए का पर स्क्वायर फीट का रेट पहुंच चुका है. स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP वहां पे 21 हजार रुपए के पर स्क्वायर फीट के आसपास का रेट हो चुका है. पूरी डिप्लोमेटिक रेजिडेंसीज वहां 17-19 हजार रुपए का रेट है. आपका व्हाइट लैंड का जो नया लॉन्च आ रहा है वहां पे भी 21-22 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास का रेट आने वाला है. इसका ऐलान का प्रेसिडेंशियल का नेक्स्ट फेज आ रहा है वो भी 21-22 हजार रुपए एटलीस्ट आएगा, ज्यादा ही आएगा. फिर शोभा का 106 में लॉन्च आ रहा है वो भी 22-25 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास आएगा. फिर आप अगर बात करो शोभा का, इस सेक्टर 80 के अंदर प्रोजेक्ट आ रहा है करमा लेक लैंड के अंदर, वहां पे भी 25-28 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट आ रहा है. तो रेट ज्यादा नहीं है. जो हर बार जब आप खरीदते हो प्रॉपर्टी तो आपको लगता है कि रेट ज्यादा है, बट जब आप प्रॉपर्टी बेचते हो तो आपको लगता है कि रेट कम है. ओके, सो दैट इज द रीजन, रेट ज्यादा नहीं है. बट ये कि थोड़ा लंबे टाइम के लिए आपको होल्ड करनी पड़ेगी चीजें, एटलीस्ट 1-2 साल के लिए, तभी आप 4-5 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट का यहाँ पे प्रीमियम अर्न कर सकते हो. और डेढ़ साल पहले जब हम बहुत सारे लोगों को बता रहे थे कि ऐलान प्रेसिडेंशियल ले लो, स्मार्ट वर्ल्ड ले लो, क्राउन ले लो, तो उस टाइम पे भी लोगों को रेट ज्यादा लग रहे थे. ओके, बट जिन लोगों ने उस टाइम पे लिए वो आज की डेट में प्रॉफिट कमा रहे, तो आज इस रेट पे अगर आप एंटर करते हो तो डेफिनेटली फ्यूचर में आप बेटर प्राइस एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, यू नो बहुत सारे लोगों के माइंड में रहता है, हो सकता है आपके माइंड में भी हो, कैन आई गेट द ROI एट दिस प्राइस, कि मैं इस यू नो 20-21 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट पे एंटर करके ROI जनरेट कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, तो एग्जिट हो पाएगा नहीं हो पाएगा. तो डेफिनेटली यू नो अगर मैं बात करूं यहाँ पे गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट के अंदर, तो गोल्फ कोर्स रोड है, तो वहां पे ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो आपका 25 हजार से लेके 47 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास का एटलीस्ट एक एवरेज रेट है. तो यहाँ पे भी अभी बहुत स्कोप है आने वाले टाइम के अंदर, कि जो आज की डेट में 20-21 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट पे आप एंटर कर रहे हो, तो आने वाले टाइम के अंदर 25,000-45,000 बता दी है. अगर आप अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा वीडियो को बैक जाके देख सकते हो. व्हाट अबाउट एमिनिटीज मैंने आपको बता दी है. फ्लोर प्लान एंड साइजेस के लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है, तो वो भी मैंने आपको दिखा दिया इस वीडियो के अंदर. पेमेंट प्लान है क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है. दो पेमेंट प्लान है, 70-30-70 का और 50-50 का. व्हाट इज द प्राइसिंग एक्सपेक्टेड है 21-22 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास का, ये भी क्वेश्चन रहता है. अगेन लोगों के माइंड में क्वेश्चन है कि कुछ और चार्जेस तो नहीं है, तो इसके अलावा जो चार्जेस है वो आपका ये जो 21-22 हजार रुपए प्लस चार्जेस है वो, उसके अलावा एक क्लब मेंबरशिप का अलग चार्ज हो सकता है और IFMS और पोजीशन चार्ज 100-200-250 रुपए एक्स्ट्रा होगा. अदरवाइज इसके अंदर आपका EDC IDC और आपका BSP वो सारी चीजें इंक्लूड है इस प्राइस के अंदर. हाउ आई कैन बुक द अपार्टमेंट, ये अगेन लोगों का क्वेश्चन होता है. तो अगर आपको अपना यू नो अपार्टमेंट ब्लॉक करना है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, एक चेक दे सकते हैं. अभी जो भी मैंने अमाउंट आपको बताया है 31-51 लाख तक के बीच में, डिपेंडिंग कि आप कौन सा कॉन्फ़िगरेशन चाहते हैं, और EOI देंगे आप, उसके बेसिस पे आपको ये जनरेट होगा, फिर आपकी अलॉटमेंट होगी. ओके, तो आपको ज्यादा प्रोसेस समझना है तो आप इंडिया नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. इसके अलावा नेक्स्ट यू नो क्वेश्चन रहता है बहुत सारे लोगों के माइंड में, यू नो लास्ट टाइम मैंने अप्लाई किया था बट फिर भी मेरे को कंफर्म अलॉटमेंट नहीं मिला, तो ये भी अगेन क्वेश्चन होता है. तो आई कैन अंडरस्टैंड बहुत सारे लोगों ने, जिन लोगों को यू नो लास्ट टाइम बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी जगह EOI दिया होगा बट कंफर्म अलॉटमेंट नहीं मिला होगा. तो रीजन क्या है कि आपने लेट EOI दिया, या फिर आपकी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई लिमिटेड है, बिकॉज ऑफ विच बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाता. बट एट प्रेजेंट आई कैन अश्योर यू कि यहाँ पे अगर आप अभी इमीडिएटली अगर कॉल करके अपना चेक देते हो तो आई मेक श्योर 90-95% गारंटीड मैं आपकी अलॉटमेंट यहाँ पे करवा दूंगा. ओके, इवन दो पहले अगर आपकी नहीं हुई होगी तो मे बी आपने किसी और को चेक दिया होगा, बट यहाँ पे अगर आप हमको चेक देंगे तो डेफिनेटली आपका 95% अश्योरिटी के साथ आपका अलॉटमेंट हो जाएगा. तो बहुत सारे लोगों के माइंड में यू नो ये भी क्वेश्चन रहता है कि यू नो हाउ इट इज यू नो बेटर देन एनी अदर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. तो यू नो बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि यार ये M3 मेंशन से बेटर है या नहीं है,
वाइटलैंड का जो नया लॉन्च आ रहा है उससे बेटर है नहीं है, या फिर गोदरेज का जो सेक्टर 103 में लॉन्च आ रहा है उससे बेटर है नहीं है, या फिर शोभा का 80 के अंदर लॉन्च आ रहा है उससे बेटर है नहीं है, या फिर डीएलएफ का नया लॉन्च आ रहा है उससे बेटर है नहीं है। तो अगर आपके माइंड में किसी प्रोजेक्ट को लेकर कंपेरिजन है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेकर, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इंडिया नंबर का कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी। आपको जो भी कंफ्यूजन है जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के साथ आपका कंपेरिजन है उसको कंपेयर करके कि कौन सा बेटर है आपके लिए। सो आई होप इन दैट केस अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है उस चीज को लेके तो आप अगेन कॉन्टैक्ट कर सकते। सो नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन रहता है बहुत सारे लोगों के माइंड में कि यू नो मैं पहले यू नो प्रॉपर्टी बेच लेता हूं अपनी उसके बाद खरीदूंगा। तो अगेन अगर आपका माइंड में कंफ्यूजन है कि आप कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बेचोगे फिर खरीदोगे, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अभी आप एंटर मत करो, पहले उसको बेचो फिर खरीदो। ओके, और अगर आप बेचना भी चाहते हो किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको ऑटोमेटिकली एक क्वेरी जनरेट होगी कि आपकी प्रॉपर्टी का प्राइस क्या है, लोकेशन क्या है, बुकिंग रेट क्या है। तो अगर आप बेच के फिर खरीदना चाहते हो तो मैं आपको अभी रिकमेंड नहीं करूंगा, पहले बेचो फिर खरीदो। नेक्स्ट क्वेश्चन यू नो बहुत सारे लोगों के माइंड में रहता है कि व्हाट आर द बैंक्स दैट आई कैन अवेल द लोन फ्रॉम। तो यू नो यहाँ पे बहुत ट्रांसपेरेंट कंपनी है कृषुमी, तो रेरा इसका ऑलरेडी आ चुका है और यहाँ पे लोन के अंदर आपको कोई इश्यू नहीं होगा। जो भी जिस भी बैंक से आपको लोन करवाना चाहोगे HDFC ICICI SBI तो मोस्टली बैंकों के साथ यहाँ पे यू नो टाई अप रहता है और आपको फंडिंग आराम से हो जाएगी, लोन की कोई इश्यू यहाँ पे नहीं आने वाला। इसके अलावा बहुत से लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि कितना परसेंटेज मैं लोन अवेल कर सकता हूँ अगर मैं ये प्रॉपर्टी फाइनलाइज करना चाहता हूँ। तो अगर आप यू नो प्रॉपर्टीज यहाँ पे अरेंज करना चाहते हो तो डेफिनेटली 75% अप्रोक्सीमेटली आप यू नो यहाँ पे कर सकते हो। सो दीपक गुप्ता जी का क्वेश्चन है कि इफ वी इन्वेस्ट 20,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट इन गुड़गांव रियल एस्टेट व्हाट शुड बी एंटीसिपेटेड एप्रिसिएशन इन ए ईयर। सो ऑलरेडी मैंने इसका आंसर कर दिया है दीपक जी कि यहाँ पे आने वाले टाइम के अंदर 25-30-35-40,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक का भी रेट यू नो आ सकता है। सो डेफिनेटली यू कैन यू नो एंटीसिपेट गुड ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम दीपक जी, व्हाट We invest in Gurgaon real estate market, rental income is unyielding range of 22-6%। तो अगर आप दीपक जी यहाँ पे अगर आप residential property के अंदर invest करते हो तो 2-3% का rental return आता है। अगर आप studio में invest करते हो तो 5% approximately 4-5% का rental return आ सकता है। अगर आपको ज्यादा rental return चाहिए तो वो commercial property के अंदर आ सकता है 6-7% के आसपास का। So I hope you know your question is getting answered। So like what is the approximately EMI that I can you know get on the loan? तो एक वेबसाइट है emicalculator.net, तो वहां पे आके जाके आप अपना यू नो ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको ईएमआई कैलकुलेट करनी है। इसके अलावा हाउ आई कैन यू नो सेव कैपिटल एप्रिसिएशन इफ आई इन्वेस्ट हियर, तो अगेन अगर आपका क्वेश्चन है कि अगर आपने ऑलरेडी यू नो किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी आपने बेची है और वहां पे आप अपने फंड्स को मूव करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पे कर सकते हो और उसका आपका बिल्डर बायर एग्रीमेंट वगैरह होगा तो उसके बाद आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएंगी यहाँ पे सो दैट आप सबमिट कर सको कि आपने विद इन एंटीसिपेटेड टाइम आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है सो दैट यू कैन यू नो गेट द टैक्स सेविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अगेन जो भी सिमिलर क्वेश्चन था, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रेंटल रिटर्न्स इफ आई कैन गेट देयर। अगर आप यहाँ पे स्टूडियो लेते हो तो 4-5% का रेंटल रिटर्न आप मिल सकता है। अगर आप खाली प्रॉपर्टी लेते हो, अपार्टमेंट लेते हो 2LDK 3LDK टाइप, तो आपको 2-4% के बीच में रेंटल रिटर्न आप एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट विद इट। तो देखिए यहाँ पे मोस्टली क्या होता है कि अगर आप कोई 5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो जरूरी नहीं कि आपको 5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो आपको 5 करोड़ रुपए चाहिए होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द पेमेंट प्लान, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 50-50 का पेमेंट प्लान है तो 2.5 करोड़ रुपए चाहिए 5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, और रेस्ट पेमेंट आपको पोजेशन पे देनी है और जब तक आप प्रॉपर्टी सेल आउट करके बाहर हो सकते। या सेकंड पेमेंट प्लान है यहाँ पे 30-70 का, तो अगेन आप 30% पेमेंट अभी दे सकते हो 2-3 महीने के अंदर, फिर 40-45% के बाद आप एग्जिट कर सकते हो अगले 1-1.5-2 साल के अंदर। कई जगह ऐसा भी पेमेंट प्लान होता है कि आप 5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो और आपने 20-80 का पेमेंट प्लान लिया, आपने 1 करोड़ रुपए लिया और उसके बाद आप एग्जिट कर सकते हो और अच्छा खासा प्रीमियम कमा के। कई जगह 30-70 का पेमेंट प्लान होता है कि 30% के बाद आप एग्जिट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यू नो हो सकता है कि बहुत सारे लोग के माइंड में डू आई नीड हैव अ कंप्लीट फंड बिफोर इन्वेस्टिंग, तो नहीं, आपको सारे फंड्स अवेलेबल होना जरूरी नहीं है। तो अगर आपके पास 20-40% फंड है, 50% फंड है, Still you can invest, make lot of money and exit before you know getting possession. तो उस time पे transfer वगैरह हो जाता है आपका, easily आप exit कर सकते हो, we help you there also. Next question is what is the quality of construction? तो यहाँ पे आप एक चीज को assure कर सकते हो कि यहाँ पे quality of construction बहुत जबरदस्त रहने वाला है, My One Construction रहेगी और already आप देख सकते हो जो इनका delivered project है Waterfall Residency, वहाँ पे भी बहुत जबरदस्त construction करी हुई है, तो इसकी construction speak for itself. तो यहाँ पे बहुत limited इसकी construction जो है last time Tata project
करी थी और आप टाटा की यू नो क्रेडिबिलिटी पे बैक कर सकते हो यहाँ पे। प्लस यहाँ पे इस टाइम पे भी ए लेवल के यू नो कॉन्ट्रैक्टर्स को असाइन करा जाएगा कंस्ट्रक्शन का जो काम है, सो यू कैन अश्योर दैट कि आपकी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन में कोई इश्यू नहीं आएगा। सो यू नो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबली माइट लॉट ऑफ पीपल हैव कि व्हाट इज द प्राइस फॉर 1 LDK, 2 LDK, 3 LDK, 2 LDK प्लस एस, 3 LDK प्लस एस। तो उसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपका क्वेश्चन है एग्जैक्टली तो आप उसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8584840 पे, हमारी टीम विल असिस्ट यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई एम एन इन्वेस्टर, व्हेन आई कैन सेल इट, आई एम नॉट एन एंड यूजर। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हो और आप एग्जिट करना चाहते हो कुछ टाइम के बाद, तो डेफिनेटली यू कैन एग्जिट इट आउट और यहाँ पे आप 30% के बाद एग्जिट कर सकते हो। ओके और एक साल का भी एक लॉकिंग पीरियड होता है, तो एक साल और 30% पेमेंट के बाद आप एग्जिट कर सकते हो। कैन आई नेक्स्ट क्वेश्चन कुड बी लाइक कैन आई गेट द इनॉग्रल डिस्काउंट लेटर ऑन। तो देखिए जो इनॉग्रल डिस्काउंट है वो फर्स्ट 400 यूनिट्स के लिए अवेलेबल है और आई एम श्योर अगले 2-3 दिन के अंदर इतने चेक्स आएंगे कि 400 यूनिट्स सेल आउट हो जाएंगी। तो मे बी अगर आप वेट करोगे बहुत ज्यादा तो मे बी आपको वो इनॉग्रल डिस्काउंट शायद ना मिल पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कुड बी लाइक विल यू हेल्प इन रीसेल इफ वी बाय फ्रॉम यू एंड हाउ। तो डेफिनेटली वी कैन हेल्प यू आउट कि अगर आप हमारे थ्रू खरीदते हो तो कल को अगर आपको रीसेल करनी है तो हमारे पास 5000 प्लस ब्रोकर्स का नेटवर्क है, 10000 प्लस इन्वेस्टर्स का डेटाबेस है, तो उसके अंदर बहुत सारी बाइंग एंड सेलिंग की रिक्वायरमेंट आती रहती है। तो वी कैन डेफिनेटली हेल्प यू आउट और हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी उन्हीं को ही होती है जो लोग हमसे यूरो खरीदते हैं। लोग बहुत सारे लोग कि व्हेन आई कैन विजिट द साइट, तो अगर आपको साइट विजिट ब्लॉक करनी है तो आप इंडिया नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8584840 पे और हमारी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके फ्री साइट विजिट आप एक ब्लॉक कर सकते हो। तो अगर आज कल परसों में अगर आप विजिट करना चाहो तो यू कैन डेफिनेटली डू दैट। डू यू हैव एनी सैंपल फ्लैट फॉर विजिट? तो देखिए पहले यहाँ पे सैंपल फ्लैट था बट वो भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। तो जो मैंने आपको सैंपल फ्लैट दिखाया था अभी वो एक्चुअल फ्लैट का ही यू नो वीडियो था, तो वो आपको एक वर्चुअल साइट विजिट सैंपल फ्लैट विजिट कर सकते हैं। बाकी एग्जैक्ट जो सैंपल फ्लैट था वो डिस्ट्रॉय अभी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुड बी लाइक कैन आई गेट द डिलीवरी ऑन टाइम? तो डेफिनेटली यू कैन बैंक अप ऑन माय वर्ड्स की यू विल गेट डिलीवरी इवन बिफोर टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ईओआई बुकिंग अमाउंट? तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे आप ईओआई अमाउंट 31 से 51 लाख रुपए है। बुकिंग अमाउंट आप 10% आपको पे करना होगा विद इन 5 to 7 days। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई हैव आंसर्ड। तो इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो यू कैन यू नो कॉन्टैक्ट अस ऑन गिवन दिस नंबर्स अबाउट दिस यू नो कृषि में न्यू लॉन्च एट सेक्टर 36A एंड आई विल बी यू नो मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। सो इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन कनेक्ट विद अस एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग टिल हियर। मिलता हूं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। मिलता हूँ अभी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।